तो गौतम सबसे पहले तो कांग्रेट्स, थैंक यू जी। पहला एपिसोड काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे, कैसी फीलिंग है? यार अच्छी बात है, मतलब फर्स्ट एपिसोड है, बहुत अच्छा गया, परफॉर्मेंसेज आर एक्सीलेंट, जो अरविंद जी ने बनाया है कमाल का बनाया है, इज आउटडन हिमसेल्फ, चीज़ अच्छी है, कहानी अच्छी है, कैनवस बहुत बड़ा है, सो आई एम जस्ट एक्साइटेड, देखते हैं रिस्पांस क्या आता है पब्लिक का। चलिए ये तो आपका रिस्पांस, आपकी खास मेहमान हमसे, तुम्हारी खास मेहमान, पहली बात है इन्हें मिस्टर अरविंद बब्बल ने बुलाया है जी, हमारे जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर साहब हैं उन्होंने बुलाया है, और डेफिनेटली बहुत अच्छी दोस्त है, जो काम के टाइम इतनी अच्छी दोस्त नहीं थी, उसके बाद ज़्यादा अच्छी दोस्त बन गई टू बी ऑनेस्ट। सो बस अब आइए सपोर्ट करने के लिए, तो मैडम को थैंक यू बोलता हूँ, थैंक यू मैडम, चलो कोई नहीं, फॉर्मल थोड़ा सा कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। शो के बारे में कैसे लग रहा है आप पूछेंगे, बताइए, देखिए वो देखो प्रोमो कितना अच्छा लग रहा है, मतलब कह रहे अपने आपको इतना अच्छा दोस्त, और इन्होंने नहीं, बिल्कुल सही बात है कि मुझे नहीं पता था यार, मैं दिमाग से निकल, इसने बताया तो था 14th को है, ठीक है, काम कर रहा है वो, शिकायत विकायत नहीं करता है, फिल्म एक्टर क्या बताऊं मैं, देख मुझे सॉरी बताइए, ये काम के मामले में हमने कभी कम सपोर्ट या ज्यादा सपोर्ट नहीं दिया, हमने हमेशा सपोर्ट ही दिया, हमने काम के मामले में हम दोनों बहुत प्रोफेशनल्स थे, और तभी कोई कम सपोर्ट, जितना जिस शो को चलना था जितनी उसकी एज थी वो उतना ही चलना चाहिए, वो बहुत अच्छा चला हमारा शो, बहुत पॉपुलर था हमारा शो, उसकी जहाँ तक जानी थी जहाँ तक रीच थी वहाँ पहुँची, और हम सबको उससे बेनिफिट हुआ, और बस अब आगे बढ़ गए। आप भी बता दीजिए कैसा लगा इनका शो। मैं अगेन आई एम गोइंग टू से विद द टीम लाइक अरविंद जी, उत्कर्ष, गौतम, इट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन, और जितना भी मैंने देखा है अभी इट इज़ लुकिंग माइंड ब्लोइंग, मतलब बहुत 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 ग्रैंड और लार्जर देन लाइफ लग रहा है, जो कि अरविंद जी की खासियत है, और आई मीन इट्स लुकिंग लाइक अ फिल्म, इट रियली इज़ लुकिंग लाइक अ फिल्म, बच्चों ने बहुत मेहनत की है, वो बहुत कमाल का है, एंड ऑल द अदर एक्टर्स हैव बीन सो सो गुड, अबाउट द लुक, गौतम आई हैवंट सीन इट, आई मीन द प्रोमो, लुक ज्यादा दिखा रहे हैं, लुक की तारीफ होनी चाहिए, तारीफ तो नहीं, गौतम का लुक बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम लाइकिंग दिस लुक बेटर विद द बियर्ड एंड ऑल ऑफ दैट, तो ऐसे रस्टिक सा लुक अच्छा लग रहा है, सो वेरी नाइस गुड जॉब, वाओ थैंक यू मैडम, थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है, आप ये बताइए कि मतलब आपकी पहली फिल्म की शूटिंग हो रही है, वो कैसा चल रहा है? वो भी बहुत अच्छी चल रही है, अब हम उसके बारे में कभी और बात करेंगे, क्योंकि कभी और के लिए रखते हैं, चलिए ये जोड़ी कभी बड़े पर्दे पे दिखने वाली है, हाँ जी ये जोड़ी कभी बड़े पर्दे पे दिखने वाली है, भैया प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, बुला लो कर लेंगे, हमें क्या है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लीज कास्ट अस, एक दूसरे को विशेष देने का मौका तो बनता है आज, ओके इनकी फिल्म आ रही है, इनकी फिल्म आ रही है, फिर से जो फिर से आ रही है फिल्म, वो मेमे आ रही है, प्लीज 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 देखिएगा, अभी फुली सपोर्ट है, फिल्म का नाम फिर से और इनका शो आ रहा है आज से, प्लीज देखिएगा, यू ऑल लव हिम एंड यू लव द शो, बिकॉज आई हैव सीन द शो, आई लव इट, आई एम श्योर यू विल लव इट, थैंक यू। मैं हमेशा जब मैं प्रोड्यूसर का चुनाव करता हूं तो मैं ये देखता हूं कि वो डायरेक्टर कितना बड़ा है, और बब्बल साहब के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जो सपना देखा गया था वो पूरी तरह से एग्जीक्यूट हुआ, और उसके अलावा राइटर्स की टीम, चैनल के और क्रिएटिव, पूरी एक पूरी शिद्दत से 8-9 महीने इस शो में जो कुछ भी है वो बहुत बहुत मेहनत से निकल के आया है ऊपर, और हमारी कोशिश एक दिन में शायद, मैं मानता हूँ कि सफलता आज नहीं है, सफलता 12 हफ्तों के बाद होगी जब इसी तरह से ये शो दिखाई पड़ेगा, वो चैलेंज बब्बल साहब के लिए ज्यादा है, क्योंकि शो शुरू में टेलीविजन में हर शो 15 एपिसोड 10 एपिसोड अच्छा दिखता है, इस बार हमारी कोशिश है कि ये शो पहले फ्रेम से अंतिम फ्रेम तक इसी ताकत के साथ आप जनता तक पहुंचे, तभी शायद टीवी और टीवी की स्टोरी टेलिंग दोनों में फर्क आ पाएगा, मेरा ये मानना है, थैंक यू वेरी मच।
और पायल भी हैं यहाँ पे, गौतम जिनको कहा है हमारे रुद्र जो महाकुंभ का रहस्य ढूंढने वाले, और मैं सारे कास्ट को भी बुलाना चाहूंगा हमारे जो जो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। मनीष वाधवा जी हैं यहाँ पे, केली है यहाँ पे, जैक इज हियर, एवरीबॉडी मेरे को दिख नहीं रहा कौन कौन है अपने कास्ट में। पारुतोष इज हियर, पारुतोष प्लीज आइए। रामगोपाल बजाज जी हैं, अब मैं टेक्निकल टीम से उत्कर्ष जो राइटर है। अभी भैया जी ने रीढ़ की हड्डी का जिक्र किया था, ये पूरा शरीर सामने है। नायडू जी टाइट है क्या? आप लोग यहाँ पे आए हमें सपोर्ट करने के लिए, बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है जो हम मना रहे हैं, और बहुत मेहनत लग रही है। एक्चुअली अभी तो लड़ाई शुरू हुई है, अभी ऑन एयर आ गए हम लोग, तो अब मज़ा शुरू होगा जो हमारा एक्चुअल टेलीविजन का मज़ा होता। बट जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं सब अपनी जान लगा रहे हैं, मैंने तो खून पसीना भी लगाया। सो थैंक यू अरविंद जी, बल्ले बल्ले कमाल कर रहे यार, कमाल का एपिसोड है। और आगे हमारे एक्चुअली सही कहते हैं कि जितने भी एपिसोड क्यों झटके मार रही यार बोलने से देखो, आगे जितने भी एपिसोड्स हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि सेम क्वालिटी मेंटेन करें और उससे हिले ना। आई जस्ट होप कि हम ऐसा कर पाएं, पूरी कोशिश तो यही रहेगी 99.9%। हाँ जी, और अब मैं माइक देता हूँ राकेश जी को। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गुरु समान अशोक चक्रधर जी, मैं सबसे पहले उनको प्रणाम करता हूँ। सॉरी मैंने राकेश जी का परिचय नहीं दिया, हमने इलाहाबाद और बनारस और पूरे उत्तर भारत में जहाँ भी शूटिंग की है वो राकेश जी फंसने वाले थे, जहाँ हमको रुकावटें आनी थी वो सब काम राकेश जी की वजह से हुए। एक पंटून पुल है जिसपे आपने विस्फोट का सीन देखा होगा, तो ये हटने वाला था, तो राकेश जी ने वहाँ कह के कैसे भी उसको पूरा पुल को हटने नहीं दिया, और फिर हमने उस पर शूटिंग की। मैं और मेरी पूरी टीम उनकी बहुत आभारी है, उनके बिना आज हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। मैं अरविंद जी को और अरविंद जी की पूरी टीम को तहे दिल से अपनी शुभकामना देता हूँ। जिस दिन इनको पांटून ब्रिज पे अपनी शूटिंग करनी थी उसी दिन उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव वहां से 400 मीटर की दूरी पर हाई सिक्योरिटी जोन में अपनी जो है रैली करने जा रहे थे, कन्याधन बांटने जा रहे थे, और इन्होंने हमसे कहा कि साहब हमें पांटून ब्रिज पे वो बम विस्फोट वाली जो है शूटिंग करनी है। तो हमने इनसे कहा कि आप ये कहिए नहीं कि आपको बम विस्फोट करना है, आप केवल ये कहना, आपको ये कहना है कि एक पटाखा बजेगा और वो सीरियल का एक पार्ट है, एक बम बजेगा आपकी शूटिंग हो जाएगी, आपका काम खत्म हो जाएगा। तो अरविंद बब्बल जी देखने में जितने सज्जन हैं अंदर से भी उतने ही सज्जन हैं। और जहां तक बात है रेखा भाभी की, तो एक ऐसी चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिस समय ये इलाहाबाद में अपनी शूटिंग कर रहे थे और शाम को हम लोग साथ में बैठते थे, उसी बीच इनका बर्थडे पड़ा, और ये काम में इतने तल्लीन थे कि इनको अपना बर्थडे भी याद नहीं था। भाभी अचानक सरप्राइज करके जब वहां पे पहुंची और रूम में पहुंच के जब उन्होंने कहा हैप्पी बर्थडे, तब इनको ध्यान आया कि अरे यार आज तो हमारा बर्थडे है। अरविंद बब्बल जी की मेहनत, गुरु समान अशोक चक्रधर जी का मार्गदर्शन और अरविंद जी के काम करने का जो तरीका मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया वो ये आया कि झाड़ू लगाने से लेके तंबू खींचने तक अरविंद बब्बल जी को शर्म नहीं आती। मैं ये नहीं कहना चाहते कि ये बेशर्म है, लेकिन इनको किसी भी काम में शर्म नहीं आती। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि एज ए मेला एडवाइजर जब महाकुंभ में हमने अपनी 100 दिन की सेवा दी, तो उसी दरमियान एक दिन हमारे गुरुदेव अशोक चक्रधर जी का फोन आया, इन्होंने अपनी पूरी शूटिंग की।
अभी अनिरुद्ध पाठक जी कह रहे थे कि 12 हफ्ते बाद पता चलेगा, मैं इस बात का आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगले 112 हफ्ते बाद भी हम लोग यहीं पे मिलेंगे, ये मेरा विश्वास है, ये मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। अब हो गया सब कुछ बहुत, और अब मौज मस्ती होनी चाहिए, तो मौज मस्ती शुरू की जाए। थैंक यू, थैंक यू। कठिन, देखो हर एक चीज़ की शुरुआत होती है तो कठिनाई तो आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, और उसको ओवरकम करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो उससे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ऐसे कठिनाई कुछ नहीं हुई, बहुत सीनियर एक्टर्स के साथ काम कर रही हूँ और बहुत सीनियर डायरेक्टर के साथ काम कर रही हूँ, तो कठिनाई कुछ नहीं है, आगे बढ़ते जाओ। ये कहा जा रहा है कि महाकुंभ एक ऐसा आने वाला उभर के आने वाला कि ऐसा कोई सीरियल नहीं है। हाँ देखो, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा जा रहा है, मेरा सीरियल है, और आप देख सकते हैं कि आज 15 दिसंबर है, हमारा सीरियल आ चुका है लाइव ओके पे, और मुझे बहुत अच्छे रिस्पांस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि टेलीविजन पे ऐसा फिल्म फॉर्मेट में सीरियल पहली बार देखने के लिए मिल रहा है। और आप देख सकते हैं सीमा विश्वास जी की जो एंट्री हुई है, उसके बाद छोटा रुद्र, तो कहानी किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो रही है और किस जगह जा रही है, तो इट्स रियली इंटरेस्टिंग। देखो जिंदगी होती है तो उसमें बहुत सारे इमोशंस होते हैं, थ्रिल होता है, ड्रामा होता है, मेलो ड्रामा होता है, तो रोमांस तो जाहिर सी बात है, तो ऑफकोर्स होगा। व्यूअर्स से यही कहना चाहूँगी कि महाकुंभ देखिए, बहुत ही अलग स्टोरी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टोरी है, जिसको देखकर आपको रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं, और रुद्र माया बहुत जल्दी टीवी स्क्रीन पे आने वाले हैं बड़े होके, तो देखना। कोई ऐसा मोमेंट याद रहेगा? मोमेंट पल, देखो बनारस में हमने बहुत ज़्यादा शूट किया है, एटलीस्ट वी शॉट देयर फॉर अ मंथ, मोर देन अ मंथ, तो वहाँ पर बस यही हुआ कि वहाँ हमने बहुत इंजॉय किया, और हमने बहुत कड़ी धूप में पसीने आ रहे थे, अस्थमा अटैक्स पड़ रहे थे, तो वैसे जब हमने शूट किया तो मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस रहा वो, तो वो चीज़ मुझे हमेशा याद रहेगी। थैंक यू सो मच।